नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2023 का 65वां मैच आज सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला जा रहा है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने दोस्तों टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और सनराइजर हैदराबाद ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी, जिसमें सनराइजर हैदराबाद ने दोस्तों की तरफ से खेलते हुए अभिषेक शर्मा ने 14 बॉल में 11 रन बनाए, वहीं राहुल त्रिपाठी दोस्तों 12 बॉल में 15 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 1 छक्के शामिल रहे। तो वहीं दोस्तों एडन मार्करन 20 बॉल में 18 रन बनाए। तो दोस्तों सबसे ज्यादा सनराइजर हैदराबाद की तरफ से हेनरी क्लासन ने दोस्तों मात्र 51 बॉल में 104 रन बनाए जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल रहे। दोस्तों उनका स्ट्राइक रन रेट रहा 203.9 का। तो उसके बाद दोस्तों हैरी ब्रुक ने दोस्तों 19 बॉल में 27 रन बनाए, 1 छक्का और 2 चौका लगाए, नाबाद रहे। तो वहीं ग्लेन फिलिप्स ने दोस्तों 4 बॉल में 5 रन बनाए। इस तरह से दोस्तों सनराइजर हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 186 रन बना लिए हैं। दोस्तों आज का मैच दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए निर्णायक मैच है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को इस मैच को हर हाल में जीतना ही होगा। अब जो है दोस्तों बेंगलोर की बारी है। जवाब में बेंगलोर की टीम दोस्तों 3 ओवर 3 बॉल में बिना किसी नुकसान के 39 रन बना लिए हैं, जिसमें फॉफ डुप्लेसी ने दोस्तों 8 बॉल में 16 रन बनाए हैं, 3 चौके लगाए हैं। तो वहीं दोस्तों विराट कोहली ने 13 बॉल में 22 रन बनाए हैं और 5 चौके लगाए हैं। फिलहाल दोनों क्रीज पर हैं। तो दोस्तों हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको क्या लगता है, क्या ये मैच बेंगलोर आज जीत पाएगी और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी? दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक करें और चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल नरेंद्र के क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा ही मजेदार दमदार नॉलेजफुल वीडियो हर रोज देखने के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए दोस्तों आपको दिल से धन्यवाद।